नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो के गोहाना रैली के बाद में पनपे विवाद को लेकर के इनेलो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भारी चिंता में डाल दिया था। वहीं गोहाना रैली के बाद में पहली बार हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला सिरसा स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचे। अपने मकान पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और भावी सीएम के नारे भी लगाए। वहां पर उपस्थित लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं की आशाओं पर पूरे उतरे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी उनका लंबे समय से इंतजार था। वहीं उन्होंने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के हर आदेश को मांगने की भी बात कही। वहीं उन्होंने हिसारों में कहा कि जब सुनामी आती है तो एक बूंद को दोषी नहीं ठहराया जाता, बल्कि समंदर की भी गहराई मापने की कोशिश करनी चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यह उनका एक तरह का व्यंग था कि गोहाना रैली में जिस ढंग से लोगों ने नारे लगाए थे उन्हें समझना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति को तो उसके लिए दोषी ठहरा देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अगर उन्हें कोई कमेटी के समक्ष आने के लिए कहेगा तो वह कमेटी के सामने भी आएंगे और मजबूती से अपना पक्ष भी रखेंगे। आपको बता दें कि सिरसा में भी वही नारे लगाए गए जहां पहले कई स्थानों पर इस तरह के नारे लगाए गए थे कि सीएम आया रे। सिरसा पहुंचे सांसद दुष्यंत चौटाला ने अपने समर्थकों को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का संदेश भी सुनाया कि दिवाली तक इंतजार करें, मगर उन्हें सचेत और सही उन पर विश्वास करने के लिए भी कहा कि भी शांति बनाए रखें और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पर विश्वास रखें। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की सिरसा से संजीव शर्मा की ये रिपोर्ट। डॉक्टर साहब ने कहा है कि दिवाली तक इंतजार करें, पर मैं आपको एक चीज जरूर आज बोलना चाहूंगा कि जो आपका हौसला है, भरोसा है, उसको इसी तरह अटल रखने का काम आपने करना है। ये मेरा विश्वास कर लेना कि आपके भरोसे को 1% की टूट नहीं। यहाँ लगी है मेरे ख्याल से डवाली के साथी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कालावाली रानिया के अंदर भी और इलाहाबाद के अंदर भी जिला परिषद चुनाव में मुझे जाने का मौका मिला। पिछले समान दिवस में सिरसा विधानसभा में भी मैं प्रभारी था और हमने एक एक गांव बड़ी मजबूती के साथ कवर किया। यहाँ झाटिया तोड़ने वाली बात कही गई, मुझे लगता है ये कुछ लोग जो इस संगठन के ढांचे को भी तोड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूं, जब सुनामी आती है तो किसी एक पानी के बूंद को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। सुनामी को असलियत में जानने के लिए तो समुद्र के अंदर जहां भूकंप आया है उसकी गहराई नापनी पड़ती है। और बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपको यह विश्वास दिला देता हूं कि जो भी निर्णय चौटाला साहब ले वो शर्माते, मगर हमने अपना पक्ष पूरी तौर पर उनके आगे स्पष्ट कर दिया गया है। कोई कमेटी बनाई जाएगी, वो जवाब मांगेगी, उनके आगे भी हम तथ्य रखेंगे। फैसला कुछ भी आए, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे परिवार के भी, इस पार्टी के भी और इस घर के भी मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और अगर किसी ने उनके प्रति कुछ लिखने का काम किया तो फिर मेरे से बुरा कोई। मैं तो निवेदन करूंगा, हमें उनकी हर कई बात का मान साहब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लिए प्रचार किया। और उसके बाद 2013 के बाद जो परिस्थितियां बनी, मुझे लगता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप सबने देखा कि एक एक कार्यकर्ता ने अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और एक एक युवा ने अपने आप को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला समझकर मैदान में उतारा।
और मेहनत करी, और उस मेहनत का चौटाला साहब ने भी आप सबको इस सम्मान दिवस पर जवाब दिया कि आप जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं की बदौलत आज संगठन पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ। और मैं तो आपको यह विश्वास दिला देता हूं कि एक सच्चा सिपाही होने के नाते उससे भी दुगनी मेहनत से आने वाले समय में संगठन की मजबूती के लिए जरूर हम सब प्रयास करेंगे। मगर मुझे तो खुद पूर्ण विश्वास नहीं होता कि जो लैंग्वेज उस पत्र की है वो कई चौटाला साहब द्वारा डिक्टेट करेगी। उस पत्र में तो ऐसे शब्द लिखे गए हैं कि मैंने संगठन के ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया। मैं एक निवेदन करूंगा कि जो आपके अधिकार उसकी लड़ाई आप सब ने मिलकर लड़नी। मेरी तो एक विनती प्रार्थना आप सब से है कि आप सब, और खास तौर पर मेरे युवा साथी, मैं इनसे निवेदन करूंगा, जोश जोश में कई बार होश खोए जाते, संयम रखो और होश खोने का काम ना करो। आप जैसे साथी हो जिनने एक नई ऊर्जा आज इस संगठन को देने का भी काम किया। जरूर कोई जिम्मेवारी लगी, उसमें कोताही रही, तो मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूं अगर आपके ऊपर कोई गाज गिरेगी उससे पहले वो गाज मेरे ऊपर गिरवाने आता। मगर निवेदन यही कि आप सब ने धैर्य रखना है, अनुशासन में रहने का काम करना है, और संगठित होने का एक बड़ा प्रमाण देने का काम करना है। मैं तो यही प्रार्थना विनती आप सब से करता हूं, और यही उम्मीद करता हूं कि दिवाली का पावन पर्व कोई नई खुशियां, कोई नए सवेरा आप सबके बीच में लाने का काम करेगा। दोबारा आप सब अपना प्यार देने आए, इसके लिए मैं आपका